हरियाणा विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 48 सीटों पर जीत हासिल कर लगातार तीसरी बार सरकार बनाने की दिशा में कदम बढ़ा दिया है। इस अवसर पर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर में जलेबी बनाकर जश्न मनाया और इस सफलता का श्रेय हरियाणा की जनता को दिया। सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा, मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व और हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी का धन्यवाद करता हूँ। यह जनता का समर्थन हमें प्रेरित करता है कि हम अपने वादों पर खरे उतरे। उन्होंने यह भी बताया कि हरियाणा की जनता ने मोदी और सैनी की बातों पर विश्वास जताया है। शर्मा ने हरियाणा दौरे के दौरान भविष्यवाणी की थी कि भाजपा जीत का हैट्रिक बनाएगी। उन्होंने कहा, कांग्रेस झूठ का सहारा लेती है जबकि भाजपा ने अपने कार्यों से लोगों का विश्वास जीता है। आने वाले चुनावों में भाजपा और भी बड़े बहुमत से जीत दर्ज करेगी। जलेबी बनाने की तस्वीरें शेयर करते हुए सीएम ने एक्स पर लिखा, हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक विजय के बाद आज प्रदेश भाजपा कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर के साथ मिलकर जलेबियां बनाई व सभी कार्यकर्ताओं को जलेबियां खिलाकर इस प्रचंड विजय की हार्दिक शुभकामनाएं दी। यह विराट विजय न केवल भारतीय जनता पार्टी की है अपितु समस्त हरियाणा की जनता की विजय है। उन्होंने अपना अमूल्य समर्थन और अटूट विश्वास लगातार तीसरी बार हमारी पार्टी को प्रदान किया है। चुनाव आयोग के अनुसार भाजपा को हरियाणा में 48 सीटों पर जीत मिली, जो बहुमत के लिए आवश्यक 86 सीटों से अधिक है और इंडियन नेशनल लोक दल को केवल 2 सीटें मिली। आम जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली। कांग्रेस की हरियाणा इकाई के प्रमुख उदयभान, विधानसभा अध्यक्ष ज्ञान चंद गुप्ता और पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जैसे प्रमुख नेता अपनी सीटें हार गए। वहीं इनेको के नेता अभय सिंह चौटाला और भाजपा के भव्य बिश्नोई भी हारने वालों में शामिल हैं। भजनलाल शर्मा के जलेबी बनाने की इस अनूठी पहल ने चुनावी जीत का जश्न मनाने का एक खास तरीका प्रदान किया है। भाजपा की इस जीत ने न केवल हरियाणा बल्कि राजस्थान के राजनीतिक परिदृश्य में भी अपनी छाप छोड़ी है। पार्टी अब आगे के चुनावों के लिए आत्मविश्वास से भरी हुई है और आने वाले समय में एक मजबूत राष्ट्रीय स्तर पर जीत की दिशा में अग्रसर है। देखते रहिए हमारे चैनल द फैक्ट इंडिया को। धन्यवाद। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।